they will discuss about. Okay, ago and for पे मैंने कहा था कि ago and for पे हम discuss करेंगे ago, for and difference between both, difference और इसके अलावा बिफोर को हम स्टडी करेंगे, बिफोर एंड डिफरेंस बिटवीन और सॉरी अगो एंड बिफोर, अगो एंड बिफोर के दरमियान. अच्छा अमहिन के दरमियान डिफरेंस की जो है बात करेंगे. तो अच्छा तो यानी डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और एंड डिफरेंस बिटवीन अगो एंड बिफोर. इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस की बात करेंगे. हम डायग्राम के जरिए भी इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे. सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अगो की अगर बात करें, चलें मैं आ जाता हूँ अपना वाइट बोर्ड पे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगो को ले लेते हैं कि अगो होता किसके लिए. तो अगो जो है, एक अगर मैं बात करूं सबसे पहले टाइम एक्सप्रेशन की अगर बात करें, टाइम एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन किसे कहते हैं. अ टाइम एक्सप्रेशन इज दैट एक्सप्रेशन इन एनी सेंटेंस व्हिच कंटेन्स टाइम यूनिट्स. ठीक है, ऐसी टाइम एक्सप्रेशन, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें टाइम का जिक्र किया जाए उसे हम टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल टू आवर्स अगो, फॉर एग्जांपल टू आवर्स, टू आवर्स. ठीक है, इसे हम कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन, इसे हम कहते हैं कि भाई टाइम एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल एट ओ क्लॉक, ये आपके पास क्या है, टाइम एक्सप्रेशन है, एट ओ क्लॉक, इसे टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ मैं कह दूं फाइव मिनट्स, ये सारे के सारे आपके पास, इन्हें हम कहते हैं दीज ऑल आर दी टाइम एक्सप्रेशंस, टू आवर्स, एट ओ क्लॉक, फाइव मिनट्स, ये सारी की सारी जो है इन्हें हम टाइम एक्सप्रेशंस कहते हैं. जो फर्स्ट, जो अगर हम बात करें अगो जो यूज होता है दैट इज यूज फॉर द टाइम एक्सप्रेशंस, टाइम एक्सप्रेशंस के साथ जो है आपके पास अगो इस्तेमाल होता है. कैसे, टाइम एक्सप्रेशन प्लस, टाइम एक्सप्रेशन प्लस अगो, टाइम एक्सप्रेशन प्लस. ओके इट्स डूइंग लाइक दैट, सॉरी अनयूजुअल. सो मैं यहां पर लिख देता हूं इट इज यूज्ड फॉर टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन प्लस अगो. तो टाइम जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं या फिर मैं यहां पर लिख देता हूं आई. ओके सो यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं स्कूल या फिर आरिफ. अच्छा आरिफ लेफ्ट अस 10 मिनट्स अगो. आरिफ लेफ्ट अस 10 मिनट्स अगो. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अगो इस्तेमाल हुआ है दैट इज बिफोर एन एक्सप्रेशन ना, ये किसके जरिए, बिफोर एन एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन से पहले इस्तेमाल हुआ है. यहाँ पे देखें ये जो है एक एक्सप्रेशन है एंड दैट एक्सप्रेशन इज नोन एज अ टाइम एक्सप्रेशन, 10 मिनट्स, इसे कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन. तो अगो का यहाँ पे जो इस्तेमाल होगा आपके पास पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा है टाइम एक्सप्रेशन, और इसके साथ ही आपके पास अगो आ रहा. देखें अगो हमेशा टाइम एक्सप्रेशन के बाद आएगा यहाँ पे जब हम इनकी बात कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऑरेंजेस फॉलन डाउन three days ago
थ्री डेज अगो, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपके पास जो अगो के साथ जो क्या इस्तेमाल हुआ है, टाइम एक्सप्रेशन, टाइम एक्सप्रेशन से के बाद हमेशा अगो आ रहा है। टाइम एक्सप्रेशन जो है को, या फिर हम ऐसे कहते हैं अगो फॉलोज द टाइम एक्सप्रेशन, अगो फॉलोज द टाइम एक्सप्रेशन, या फिर टाइम एक्सप्रेशन फॉलोज अगो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। पास्ट के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो हम टाइम एक्सप्रेशन के साथ अगो लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूँ, एक और मैं जुमला बना देता हूँ यहाँ पे, ओके मैं लिख देता हूँ स्कूल क्लोज्ड स्कूल हैड क्लोज्ड, या फिर स्कूल है स्कूल्स हैड क्लोज्ड, हैड क्लोज्ड थ्री ईयर्स अगो, या फिर थ्री मंथ्स अगो, थ्री मंथ्स अगो, ठीक है, स्कूल्स हैड क्लोज्ड थ्री मंथ्स अगो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास टाइम एक्सप्रेशन की ही बात हो रही है। अगर थ्री मंथ्स की आप बात करें तो थ्री मंथ्स जो है आपके पास यहाँ पे अगो के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब हम आगे अगो की बात करते हैं, अगो होता है क्या। यहाँ तक हमने सिर्फ इतनी बात की है कि ये जो है आपके पास है क्या ना। अगर हम अगो की डेफिनेशन लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी अगो इस्तेमाल किसके लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली करूँ अगो की, अगर मैं यहाँ पे देखें, अगो इज यूज, अगो इज यूज फॉर फिनिश्ड टाइम, फिनिश्ड टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने पीछे देखा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी हमने एग्जांपल्स ली हैं उन सब में हमने जो है अगो को एज अ फिनिश टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और पास्ट टेंस के लिए हमने आपको बताया कि पास्ट टेंस के लिए इसको इस्तेमाल किया है फॉर यूजुअली फॉर पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। एक तो हमने क्या कहा कि भैया फिनिश टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, देखिए फिनिश टाइम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कोई काम हुआ था, स्कूल्स बंद हुए थे जो है आपके पास तीन महीने पहले, यानी कोई टाइम की बात कर रहे हैं लेकिन टाइम फिनिश टाइम है, फिनिश टाइम के लिए बात कर होता है, ये परफेक्ट की बात नहीं कर रहा होता, ठीक है। फिनिश टाइम जो है विद पास्ट टेंस ना, उसके लिए आपके पास जो है इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक और बात हम करें तो यहां पर अगर हम पास्ट की एक और बात करें, इट सेज इट सेज हाउ लॉन्ग बिफोर द प्रेजेंट, बिफोर द प्रेजेंट, हाउ लॉन्ग बिफोर द प्रेजेंट, ठीक है, कि प्रेजेंट से कितना जो है पहले, ठीक है, कोई काम जो है वो कंप्लीट हुआ है या फिर कोई काम जो है हुआ है। How long it says, how long before the present something happened, यानी के अभी हम बात, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं oranges fallen down 3 days ago, यानी मैं जो oranges की बात कर रहा हूं मैं present में खड़ा होकर बात कर रहा हूं, present में खड़ा होकर बात कर रहा हूं कि कोई काम present से कितना time पहले हुआ है, यानी मैं अब यहाँ पे देखें आरिफ लेफ्ट अस 10 मिनट्स अगो, यानी मैं अभी बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ और बात कर रहा हूँ कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, यानी पास्ट में टाइम फिनिश्ड हुआ है, यानी जो टाइम फिनिश्ड काम फिनिश्ड से लेके टाइम काम फिनिश्ड से लेके प्रेजेंट तक का जो मामला है, टाइम फिनिश से लेके प्रेजेंट तक का जो मामला है उसे हम जो है उसको हम जो है वहां पे आप अगो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए आपको अगो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से मैं कहता हूं कि भाई अफजल, अब अफजल ने कोई काम किया, अफजल अच्छा गॉट मैरिड, अब अफजल की शादी हुई, अफजल गॉट मैरिड, अब कब, अब शादी तो पहले ही हो चुकी है लेकिन अब से कितना वक्त गुजर चुका है, अब के इस वक्त से कितना वक्त गुजर चुका है, हम कहेंगे अफजल गॉट मैरिड 2 years ago, two years ago, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अफजल की शादी की, यानी वो शादी जो प्रेजेंट से लेके पास्ट के दरमियान,
अब हम इसको लॉजिकल भी पढ़ेंगे, जब हम इसको ग्राफिकली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो उस काम से लेके, ये जुमला मेरा याद रखिएगा, कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हुआ हो उस काम के फिनिश्ड होने से लेके प्रेजेंट तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम अगो इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अगो को, यानी कितना जो है काम जो है वो कितना पहले हुआ है या फिर इस टाइम से लेके प्रेजेंट से लेके पिछले वक्त तक, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं अशरफ फोन, मैं कहता हूं कि भाई आसिफ फोन few minutes ago आसिफ फोन few minutes ago, आसिफ ने फोन किया चंद मिनट पहले। अब देखें ये वो बात बता रहा है जो आसिफ ने काम किया है। अब उस काम को किए हुए कुछ वक्त गुजर चुका है, अब वो जो वक्त का दौरानिया है उसके लिए उसे हम टाइम एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो टाइम का दौरानिया है, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, इसको वाजे करने के लिए हमने अगो इस्तेमाल किया। यानी अगो क्या बता रहा है कि जो टाइम दौरानिया है वो कितना मिनट जो है वो पहले हुआ है। अच्छा जी ये तो समझ, अब यहां से ये बात वाजे हो गई कि यानी ये टाइम के दौरानिया के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब या फिर मैं यहां पे कह दूं एक और जुमला में, अगर आप यहां पे बना दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, मैं यहां पे ले देता हूं वेयर इज, मैं लिखता हूं भाई वेयर इज जेम्स, मैं सवाल कर रहा हूं वेयर इज जेम्स, She was, या फिर she was eating here, she was eating here 10 minutes ago, she was eating here 10 minutes ago, यानी where is James, मैं सवाल करता हूँ, फिर यहाँ पे मैं exclamation sign लगाता हूँ एक किस्म की, यानी मैं कहता हूं कि भाई कहां गए जेम्स, कहां गई, तो हम कहेंगे शी वाज ईटिंग हियर 10 मिनट्स अगो, यानी अब जेम्स वहां से जा चुकी हैं, उस जगह से जहां पहले वो बैठी थी वहां से जा चुकी हैं। अब उसके जाने से लेके, बात तो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, यानी जाने से लेके प्रेजेंट तक का जो दौरानिया है वक्त का जो कि 10 मिनट्स है, उस 10 मिनट को एक्सप्रेस करने के लिए हम जो है अगो इस्तेमाल करेंगे, उसको हम जो है एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा एक इसी तरह से अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और जुमला बनाना चाहूं, ऐसा कह सकते हैं हम, या फिर ये देखें असलम, हाँ असलम हैज बीन लिविंग, या फिर ऐसा करें कि हम ऐसा असलम हैज बीन लिविंग, हाँ कह सकते हैं ऐसे भी कह सकते हैं, असलम हैज बीन लिविंग हियर, असलम हैज बीन लिविंग हियर सिंस, असलम हैज बीन लिविंग हियर सिंस, अगर हम इस तरह से करें तो हाँ, यानी वो कब से रह रही है, असलम हैज बीन लिविंग हियर अगर हम कहें तो सिंस 8 years ago, या फिर 3 years ago, थ्री इयर्स अगो, ठीक है। अब ये बात क्या कर रहे हैं कि भाई असलम हैज बीन लिविंग हियर, असलम रह रहा है यहां से, रह रहा था यहां पे सिंस 3 years ago, ठीक है, यानी वो 3 साल से रह, अब ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, ये वो दौरानिया बता रहा है कि यानी जब से, यानी वो कोई पिछले वक्त की बात कर रहा है। इस तरह से भी ऐसे जुमलों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक डाउट होता है, ठीक है, यानी हम अगर यहाँ पे अबाउट लगा दें, अबाउट 3 years ago, यानी फॉर एग्जांपल सिंस अबाउट 3 years ago, तब भी ये जुमला जो है फिट बैठेगा, ठीक है, तब भी कोई डाउट नहीं है, आप इस तरह से भी आप जो है इसको कह सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह दें आई मेट हिम 2 months ago, टू मंथ्स अगो
ठीक है, मैं उनसे मिला 2 महीने पहले, ठीक है। तो इस तरह से भी आप जो है बता लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये तो था हमारे पास अगो, यानी अगो का जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम बात करते हैं फॉर की, ना फॉर की जब हम बात करें, चलें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फॉर। अगर हम फॉर की बात करें तो फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है? ओके जी, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। आई होप कि अगो में तो किसी को डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। ओके, सो फॉर की हम बात करते हैं। अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं अगर सिंपली जो है इसको जो है ना एक्सप्लेन करना चाहूं, अगर आपने देखा होगा, अगर मैं एक बात करूं कि भाई एक काम जो है, ठीक है, काम का जो दौरानिया है। अच्छा, कोई सवाल है? ओके, दैट्स फाइन, ठीक है। यानी अब देखें, ये तो बात थी हमारे पास कि भाई हम ये बता रहे हैं कि भाई कोई काम जो है, ठीक है, अब जितना जो है, पहले तो हमने ये बात किया कि कोई काम जो है कब तक हुआ, ठीक है, कब से लेके और प्रेजेंट तक के जो है फ्यूचर की उसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं फॉर, सो फॉर इज यूज्ड फॉर हाउ लॉन्ग एनी वर्क और एनी टास्क लास्टेड, ठीक है, कोई काम जो है हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक, ठीक है, वो जो है खत्म हुआ, उसके जो खत्म होने का दौरानिया है, ठीक है, यानी ये कब बात क्या बात कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग एनी टास्क लास्टेड, ये उस काम के दौरानिया की बात कर रहे हैं, जब तक वो काम रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक जुमला लिख देता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं, अली लिव्ड इन सखर फॉर 2 years, फॉर 3 years, ठीक है। तो ये बताता है कि कोई काम, कोई बंदा जो है किसी पास्ट से लेके किसी पास्ट तक, ये जुमला याद रखिएगा, किसी पास्ट से लेके किसी पास्ट तक कितना रहा। अब देखिए यहां पे जो बात कर रहे हैं हम, पास्ट से लेके पास्ट की बात कर रहे हैं। अब यहां पे देख सकते हैं, अली लिव्ड इन सक्कर फॉर 3 years, ठीक है, वो 3 साल तक वहां पे रहा सक्कर में। अब ये उसका दौरानिया बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर आप इसमें इस्तेमाल करेंगे इसके, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि भाई आरिफ लिव्ड हियर फॉर, या फिर आरिफ has been living here, Arif has been living here for 3-2 months, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं कि आरिफ कितने अरसे तक जो है कहीं किसी जगह पे रुका है। अच्छा, ठीक है, एब्सोल्युटली वहां पे गेट मैरिड होगा। हाँ, शायद मैंने जुमले में मिस्टेक की है, एब्सोल्युटली यू आर राइट। सो वहां पे गेट मैरिड होगा, कहाँ पे गया, कौन से स्लाइड में था, या यू आर राइट। सो कहाँ था, ये वाला था इसे, या अफजल गेट मैरिड, तो यहाँ पे गॉट नहीं होगा एब्सोल्युटली, यहाँ पे गेट होगा, यहाँ पे गॉट नहीं होगा बल्कि गेट होगा, अफजल गेट मैरिड, एब्सोल्युटली यू आर राइट। सो गेट मैरिड होगा, ठीक है, तो दोनों एब्सोल्युटली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यू आर राइट। सो यहाँ पे क्या आएगा, गेट मैरिड, गॉट मैरिड एब्सोल्युटली नहीं होगा। ओके, सो इज इट राइट, अब सही है, ओके ओके, थैंक यू। सो एब्सोल्युटली गॉट मैरिड नहीं होगा, गेट मैरिड 2 years अगो, ठीक है। सो अब जो हम बात कर रहे थे यानी अगो की, तो सॉरी फॉर की ना, तो फॉर ये बताता है कि कोई काम कब तक जो है, कोई काम जो है लास्ट हुआ। अब हम अगर बिफोर की बात करें ना,
ठीक है, या दैट्स फाइन, एब्सोल्युटली। सो गेट मैरिड होगा तो इसकी यानी दोनों आप इस्तेमाल नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। अब अगला जो बात है हमारे पास, ठीक है, अब हमने जो है जो इसकी बात करनी है यानी बिफोर की, अगर हम बिफोर की बात करें, अब ने जब अगो की बात करी, जब अगो की हम बात कर रहे, तो हम ये कह रहे थे कि प्रेजेंट से कोई चीज कितना जो है पहले हुई है ना, ये हम बात कर रहे थे अगो के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो हम बिफोर की बात करेंगे, यहां पे अगर मैं लिख दूं बिफोर, ठीक है, अब देखिए दोनों का एक ही यूज है, अगो का भी और बिफोर का भी, अगो का भी और बिफोर का भी एक ही यूज है। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क सिर्फ इतना है, अगो जो है वो हमने, मैंने पहले ही आपको बताया कि अगो जो है आपके पास ये रहा, यहां पे मैंने लिखा था अगो इज यूज फॉर फिनिश टाइम यूजुअली फॉर पास्ट टेंस, इट सेज हाउ लॉन्ग बिफोर द प्रेजेंट, हाउ लॉन्ग बिफोर द प्रेजेंट समथिंग हैपेंड, प्रेजेंट से कोई चीज कितना पहले हुई, ये इसके बारे में बात करता है, ठीक है। और जबकि बिफोर जो है, बिफोर सेज हाउ लॉन्ग बिफोर द पास्ट मोमेंट, मोमेंट समथिंग हैपन, यानी इसमें सिर्फ इतना फर्क है, ये इस्तेमाल होता है कि हाउ लॉन्ग बिफोर समथिंग, बिफोर बिफोर द पास्ट टेंस, यही पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। और पास्ट मोमेंट, पास्ट में जो मोमेंट हुआ है, उस पास्ट में जो मोमेंट हुआ है उससे कितना पहले की बात जब हम करेंगे तो बिफोर इस्तेमाल होगा, और अगर हम फ्यूचर प्रेजेंट के से, प्रेजेंट के पहले की बात करें तो हम अगो इस्तेमाल करेंगे। अगो और बिफोर में सिर्फ यही फर्क है, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं आई, यहां पे मैं लिख देता हूं आई मेट हिम टू मंथ्स अगो, अब ये तो बात देखें, मैं यानी प्रेजेंट से उससे जो है प्रेजेंट की बात कर रहा है, आई मेट हिम टू मंथ्स अगो, टू मंथ्स अगो, ठीक है। तो मैं दो मंथ की बात कर रहा है, यानी दो मंथ पहले की, ठीक है, ये प्रेजेंट से बात कर रहा है, प्रेजेंट में खड़ा होकर। लेकिन अगर मैं यहां पे एक और जुमला बनाऊं, फॉर एग्जांपल अगर बिफोर के लिए, जैसे कि बिफोर आपके लिए क्या क्या कहता है कि यानी कोई भी काम जब हुआ हो वो प्रेजेंट पास्ट मोमेंट से, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं ही लेफ्ट अस बिफोर वी बिफोर वी फिनिश्ड, या फिर बिफोर वी मेट, बिफोर वी या फिर हम ज्वाइंट कह सकते हैं, ठीक है, बिफोर वी ज्वाइंट, यानी ही लेफ्ट अस बिफोर वी ज्वाइंट, ठीक है, इस तरह से, यानी आप जुमला, या फिर मैं इस तरह से कह दूं ही वॉज इल, ठीक है, वो यानी बीमार था, यानी अगर हम सिंपली अगर उसके बात करें, ठीक है, he was ill for three years before he died. अब देखिए, यानी he was ill for three years before he died, यानी उसके मरने से पहले वो तीन साल तक बीमार रहा। अब ये क्या बात कर रहे हैं, पास्ट में कोई काम हुआ है, ही वॉज डाइड, ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ही वॉज इल, यानी वो बीमार था फॉर थ्री ईयर, तीन साल तक, बिफोर ही डाइड, अब जब वो मरा है तो ये किस्म का पास्ट सेंटेंस है ना, पास्ट की बात कर रहे हैं ना, पास्ट में कोई मोमेंट हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, एक कोई बंदा मरा है, कोई बंदा मर गया पास्ट में, अब उस पास्ट में मरने से पहले कोई काम उसने कितने अरसे तक किया, पास्ट में मरने से पहले उसने कोई काम कितने अरसे तक किया, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं ही वॉज इन द कंपनी फॉर 9 years, 9 years before he left,
ठीक है, ही वॉज इन द कंपनी फॉर 9 ईयर्स बिफोर ही लेफ्ट, यानी या फिर बिफोर यानी जब जब वो कंपनी को छोड़ के गया उससे पहले, अब ये पास्ट की ही बात कर रहा है, यानी कोई बंदा छोड़ के चला गया है किसी कंपनी को, किसी कंपनी को कोई बंदा छोड़ के चला गया बिफोर ही लेफ्ट, उससे पहले वो 9 साल तक, उससे पहले वो 9 साल तक उस कंपनी में था, 9 साल तक फॉर 9 ईयर्स। अब देखिए यानी किसी वक्त बंदे के दौरानिए की बात कर रहा है, लेकिन किसी पास से, अगर मैं इसी जुमले की प्रेजेंट अगर फॉर अगो के लिए अगर इस्तेमाल करूंगा तो अगो के लिए हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसी जुमले को मैं बना देता हूं। अगर मैं इसी को जुमले को बनाऊं, ही लेफ्ट द कंपनी या फिर हम सिंपली ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी, ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी 2 ईयर्स अगो या फिर 3 ईयर्स अगो, ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी 3 ईयर्स अगो। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क सिर्फ इतना है, ही वॉज इन द कंपनी फॉर 9 ईयर्स बिफोर ही लेफ्ट, यानी वो छोड़ के चला गया है। अब ये छोड़ के चला जाने के पहले की बात कर रहे हैं, यानी उस पास्ट में ही बात कर रहा है, यानी जब वो छोड़ के गया, छोड़ने तक का जो टाइम था, यानी छोड़ने से पहले वो कितने साल कंपनी में रहा, छोड़ के जाने से पहले वो कितने साल तक कंपनी में रहा। और अगर आप इस जुमले की देखें तो इस जुमले में क्या कह रहा है, ही वॉज वर्किंग इन द कंपनी 3 ईयर्स अगो। अब ये बात कर रहा है अभी प्रेजेंट में खड़े होके, प्रेजेंट में खड़े होके बता रहा है कि कोई बंदा किसी किसी कंपनी को छोड़ के जाने से लेके, छोड़ के जब गया है उससे लेके अब तक की प्रेजेंट की बात कर रहा है। अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पे बिफोर बिफोर ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगो, ठीक है। अब दोनों को अगर हम समझें तो अगर मैं कहूँ कि भाई फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई पास्ट है, ये कोई पास्ट है आपके पास और ये भी आपके पास कोई ना कोई पास्ट ही है, और ये आपके पास जो है वो प्रेजेंट है, अब देखिए अगर कोई काम हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब देखिए यहां से लेके और एक लाइन में यहां पे लगा देता हूं फॉर एग्जाम्पल, अब यहां से लेके ये जो दायरा, ये जो इसने काम किया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह देता हूं कि भाई एक बंदे ने ही वॉज वर्किंग, वो यहां तक काम कर रहा था यहां तक उसने काम किया और यहां पे आके उसने छोड़ दिया, तो हम यहां पे क्या कहेंगे बिफोर ही लेफ्ट यहां पे हम क्या करेंगे कि भाई बिफोर ही लेफ्ट, अच्छा कौन है ये, ओके सो यानी हम क्या कहेंगे कि भाई बिफोर उसने, जैसे ही उसने कंपनी को छोड़ा और यहां से लेके ये जो दौरानिया है इसे हम फॉर कहेंगे, आपको पता है कि भाई ये हम जो है फॉर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अब ये प्रेजेंट है, यहां पे आपका प्रेजेंट शुरू होता है इस पॉइंट पे आपका प्रेजेंट शुरू होता है, और ये जो अगो जो है ये शो करता है कि इस पे उसने कंपनी को छोड़ा, यहां से लेके आप जो बात कर रहे हैं इस प्रेजेंट में कर रहे हैं, और ये दौरानिया जो है फॉर का है, ठीक है, फॉर का दौरानिया है, यानी इसने काम यहां तक किया, सॉरी यहां पे इसने काम एंड किया, यहां पे मैं लिख देता हूं इसने यहां पे काम एंड किया, इस पॉइंट पे पॉइंट ए पे उस बंदे ने काम एंड किया, अब पॉइंट ए पे उसने काम को एंड किया, अब इस काम के एंड करने से लेके
काम के एंड करने से लेके और यहां पे उसने काम स्टार्ट किया, यहां पे उसने काम स्टार्ट किया एस और ए के दरमियान में जो उसने काम किया, अब जब वो लेफ्ट करेगा, ठीक है, इस दौरानिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम बिफोर इस्तेमाल करेंगे, और इस एंड करने से लेके, इस एंड करने से लेके ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है, ये जो टाइम एक्सप्रेशन है एंड से लेके स्टार्ट तक का जो टाइम दौरानिया है, एंड से लेके स्टार्ट तक का जो टाइम दौरानिया है या फिर टाइम एक्सप्रेशन है, उसके लिए हम बिफोर इस्तेमाल करेंगे, और काम के एंड करने से लेके, काम के एंड करने से लेके प्रेजेंट तक का जो दौरानिया है, प्रेजेंट तक का जो दौरानिया है उसके साथ जो टाइम एक्सप्रेशन होगी, उस टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम अगो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले जुमलों में कहा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई इसको भी हम यहां पे समझ लेते हैं, ओके, हाँ ठीक है, मैं जुमला बना देता हूं। देखिए भाई, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं यहां पे, अच्छा एक मिनट, ओके, सही, मैं कहता हूं असलम, ठीक है, was happy, Aslam was happy before he, Aslam was happy before he, before he get married, ठीक है, या फिर मैं ये भी सही है, लेकिन अगर मैं या तो फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये भी सही है, चले, असलम वॉज हैप्पी बिफोर ही गेट मैरिड, यानी असलम जो है वो खुश था। अब देखिए ये खुश था कब तक, जब तक वो खुश था ये तब तक की बात कर रहा है, यानी वो खुश कब तक था, इस दौरानिए के लिए, ये वाला जो है, ठीक है, यहां तक वो खुश था, यानी इस पॉइंट तक ये क्या था, खुश था भाई यहां तक, ठीक है, हाँ, गॉट मैरिड, गेट मैरिड लगाएंगे हम, गॉट मैरिड की कुछ वजह होती है, जैसे हम गॉट मैरिड दोनों को एक जगह पे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर आप गेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैरिड को भी उस पर वैसे कर सकते हैं आप, लेकिन उसकी वजूहत होती हैं, जब आप डिटरमिनेंट्स की बात कर रहे होते हैं तब आप ये जुमला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सो यहाँ पर आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, बिफोर ही गेट मैरिड, ठीक है, ठीक है, सो अब देखें, अब फॉर एग्जाम्पल ये बात कर रहा है किसकी, असलम वॉज हैप्पी बिफोर ही गेट मैरिड, ठीक है, अब देखें बिफोर ये कब की बात कर रहे हैं, कि यानी एक वो खुश था किसी वक्त तक वो खुश था, लेकिन उसके बाद वो परेशान हो गया, लेकिन जब खुशी का मोमेंट जो है वो एंड हुआ, जब खुशी जो है वो खत्म हुई, जैसे ही खुशी खत्म हुई उससे लेके, ठीक है उससे लेके जब वो खुश हुआ, यानी जब खुशी खत्म हुई, उस खुशी तक का जो, यानी जुमला था ना, यानी शादी से पहले तो भाई वो खुश था, बड़ा हम कहते हैं ना अभी शादी से पहले खुश था, हम क्या कहते हैं कोई, यानी खुश होने की जो वक्त था वो खत्म हो गया उसका, अब यानी जो है वो नारा परेशान ही परेशान है, यानी तकलीफों ही तकलीफों में है, ठीक है, यानी असलम बड़ा खुश था जब तक उसकी शादी हुई, लेकिन जैसे ही शादी हुई, अच्छा जी, वो तो पहले ही खुश था बेचारा, अब तो नाराज ही परेशान है, ठीक है, सो मैं फिर भी आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ, एक मिनट, मैं आपको फिर भी अच्छा हाँ आई थिंक तो मैंने गॉट मैरिड आप लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली यू कैन एड गॉट मैरिड,
गॉट मैरिड आप लगाएंगे क्योंकि वो काम जो है वो शादी यानी पहले की बात कर रहे हैं. सो यू कैन एड गॉट मैरिड. ठीक है, असलम वाज हैप्पी बिफोर ही गॉट मैरिड. तो पहले भी शायद ये किसी ने सवाल किया, तो गॉट मैरिड आप लगा सकते हैं, लगाएंगे. यस एब्सोल्युटली देयर विल बी पास्ट फॉर्म ऑफ गॉट मैरिड. तो पहले ये सवाल गॉट मैरिड हम इस्तेमाल करेंगे एब्सोल्युटली. असलम वाज हैप्पी बिफोर ही गॉट मैरिड. तो ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन हुआ तो यू कैन ऑल्सो कवर इट आउट. तो असलम वॉज हैप्पी बिफोर ही गॉट मैरिड, तो गॉट ही इस्तेमाल करेंगे यानी वो शादी कर चुका है तो गॉट मैरिड. एब्सोल्युटली मिस्टर उज़ैर यू आर राइट. ठीक है, गॉट मैरिड ही लगाएंगे. ठीक है, सो अब देखें, यानी वो शादी, जब उसने शादी की, शादी करना क्या है, खत्म हो गई ना, एक बार शादी हो चुकी होती है तो बस वो टाइम खत्म हो गया. अब यहाँ पे जब हम लगाएंगे बिफोर इस्तेमाल करेंगे, यानी जो काम शादी से पहले हुआ था खुश तो यानी वो शादी से पहले ही रह चुका है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिफोर. लेकिन अगर मैं एक जुमला और बनाऊं यहां पे मैं क्या लिखूंगा, हाँ इस जुमले की माना ये होगी, यानी यानी असलम जो है खुश था जब तक वो शादी कर चुका, यानी जब तक वो शादी कर चुका तब तक वो खुश था. ठीक है, तो इसकी इस सेंस में, यानी अब शादी हो गई तो अब वो, यानी अब कुछ और सिचुएशन है, शादी से पहले की बात कर रहा है. ठीक है, असलम वाज हैप्पी बिफोर ही गॉट मैरिड, यानी जब उस जब शादी होने से पहले तक वो खुश था. ऐसे हम बना सकते हैं इसकी. लेकिन आप कभी भी उर्दू मीनिंग पे नहीं जाया करें, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसको इंग्लिश माना में ही देखा करें. ठीक है, तो यह बनेगी असलम वॉज हैप्पी बिफोर ही गॉट मैरिड, यानी अनटिल ही गॉट मैरिड, जब तक उसकी शादी हुई ही वॉज वेरी हैप्पी, बट जैसी उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद उसकी जो खुशी थी या जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई. ठीक है, वो सिचुएशन चेंज होने की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक और जुमला बना लेता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूं ही इज ओके हैड बीन हैप्पी बिफोर ही गॉट मैरिड. हाँ ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं, लेकिन हम जो है असलम हैड बीन हैप्पी, ये भी बिल्कुल सही है. यू कैन से एब्सोल्युटली असलम हैड बीन हैप्पी, ऐसे भी कह सकते हैं बिल्कुल, असलम हैड बीन हैप्पी, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें, हैड बीन हैप्पी. हाँ असलम हैड बीन हैप्पी, अब ये बात कर रहा है कि एक वक्त से लेके, अब ये एक और बात हो जाएगी, ये जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो ये बनेगा कि यानी उस वक्त की बात कर रहा है, इंस्टेंट पॉइंट पे, यानी वो उस जुमले उस वक्त खुश था जब शादी हुई. लेकिन अगर आप बात करें वो यानी पिछले दौरानिए की बात करें, यानी पिछली सारी उम्र वो खुश रहा शादी होने से पहले, तो आप इस्तेमाल करेंगे असलम हैड बीन हैप्पी. ये तब की बात है, यानी वो शादी होने से लेकर जब तक वो पहले शादी से पहले जितना भी अरसा था उसमें खुश था, तब हम असलम हैड बीन हैप्पी कहेंगे. लेकिन अगर हम बात करेंगे यानी उस समय, यानी जब उसकी शादी हो रही थी, उस वक्त असलम वाज हैप्पी बिफोर ही गॉट मैरिड. ठीक है, जैसे शादी होने से, ये उस इंस्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब इंस्टेंट पॉइंट की बात करेंगे तब हम ये असलम वाज हैप्पी की बात करेंगे. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि भाई वो किसी दौरानिए से, यानी पास्ट में जो है ना, बिल्कुल पुराने, जब से वो पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर शादी तक खुश था बस, अब आप असलम हैड बीन हैप्पी लगाएंगे, असलम हैड बीन हैप्पी. ठीक है, बिफोर ही गॉट मैरिड, तो इस तरह से भी हो जाएगा, यू कैन से ऑल्सो. ठीक है, अब अगर हम फॉर अगो की अगर बात करें, अगो में अगर देखें तो हम क्या कहेंगे, भाई असलम वॉज हैप्पी, असलम वॉज हैप्पी. फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी शादी को मिसाल तौर 2 महीने हो गए तो हम कहेंगे 2 months अगो, 2 months अगो. ठीक है, असलम वॉज हैप्पी 2 months अगो. अब ये क्या बता रहा है, असलम की सिचुएशन बता रहा है, असलम की सिचुएशन बता रहा है 2 महीने पहले की, यानी प्रेजेंट से लेके, अब ये जो बिफोर था ये अपना पास्ट से लेके पास्ट तक की बात कर रहा था, पास्ट से लेके पास्ट तक की बात कर रहा था. लेकिन ये जो है, ये जो जुमला है आपके पास, ये पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की बात करेगा, यानी जब वो खुश था तब से लेके अब तक. असलम वाज हैप्पी 2 months अगो, यानी प्रेजेंट में बात कर रहा है, यानी वो 2 महीने पहले खुश था. ठीक है, तो इस सेंस में जो है आप अगो को इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन आप ये देख सकते हैं कि अगो जो इस्तेमाल हुआ है वो टाइम एक्सप्रेशन के साथ इस्तेमाल हुआ है, अगो जो इस्तेमाल हुआ है दैट इज यूज फॉर द टाइम एक्सप्रेशन, एंड हियर टाइम एक्सप्रेशन इज 2 months अगो. टाइम एक्सप्रेशन जो है आपके पास यहाँ पे 2 months अगो है, तो इस तरह से आप जो है
इसको जो है डील कर सकते हैं एंड यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस तरह से देखेंगे सेंटेंसेस बनेंगे, उन सेंटेंसेस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी अब फॉर अगो और इनके दोनों के दरमियान फॉर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि देखें भाई ये जो है बिफोर यानी फॉर यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि ये दुरानिया की बात कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर है दैट ऑल्सो सेज दी जो ड्यूरेशन है टाइम की ड्यूरेशन के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से यानी आप अगो और फॉर में, जैसे कि हमने फॉर की बात की, फॉर में क्या फर्क है और अगो में क्या फर्क है, बिफोर में क्या फर्क है, अगो किस लिए इस्तेमाल होता है, फॉर किस लिए इस्तेमाल होता है और बिफोर किस लिए इस्तेमाल होता है, इसको स्टडी किया। इसके हम और भी बात करेंगे आगे जाके इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में, मजीद इसको हम डिस्कस करेंगे और जो इसके केसेस हैं मुख्तलिफ और भी केसेस हैं। अब अगो को हम और भी काफ़ी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं और बिफोर को हम काफ़ी वजूहत और भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, हम अगले लेक्चर में उनको इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे टाइम को मैनेज करने के साथ साथ। ओके इंशाल्लाह आज के लेक्चर को हम यहीं तक एंड करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें और इंशाल्लाह इसके इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, कल का इंशाल्लाह लेक्चर जो है फिर उसको कैरी करेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके गुड लक, अल्लाह हाफिज़।